अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे आप लोग। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बाद रखे, तकलीफों परेशानियों से बचाए, आमीन। ये हमारी क्रीमी फ्रूट चाट बनकर तैयार हो चुकी है, चले वीडियो की तरफ। पास 1.5 कप व्हिपिंग क्रीम है, ये बहुत ठंडी और चिल्ड क्रीम है। अब इसको बीट करेंगे। जितनी ज्यादा ये ठंडी व्हिपिंग क्रीम होगी उतनी ज्यादा अच्छी ये व्हिप होगी। क्रीम हमारी अच्छी तरह विप हो चुकी है, ये देखें। फ्रूट चाट बनाने के लिए मैंने सब चीज़ों को रेडी कर लिया है। ये मेरे पास एक प्याली आड़ू है, 5 मेरे पास केले थे उनको मैंने ब्रिक स्लाइस में काट लिया है, 2 मेरे पास सेब थे उनको भी मैंने स्लाइस में काट लिया है, और एक प्याली ये छोटी मैंगो मेरे पास है, और ये मैंगो प्यूरी है, और ये एक प्याली अंगूर है, इनको मैंने इस तरह ब्रिक ब्रिक काट लिया है। बहुत मोटे वाले अंगूर थे, वो चाट में अच्छे नहीं लगते हैं बच्चों को। तो अब चाट को रेडी करते हैं। व्हिपिंग क्रीम में थोड़ा सा ये कंडेंस करेंगे। ये मेरे पास घर का बनाया हुआ कंडेंस मिला, ये देखिए कितना अच्छा बना हुआ। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। आप बाजार की चीजों को अवॉइड किया करें और घर में चीजों को बनाकर इस्तेमाल किया करें, इससे आपकी सेहत तंदुरुस्ती में इजाफा होगा और बाहर की चीजें वो अच्छी नहीं होती। ये एड़ी सेब जो मैंने काटे थे वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए, ठीक है। एक प्याली केले, ये प्याली मेरे पास मैंगो थे ये शामिल कर दिए, ठीक है। एक प्याली आड़ू, जो भी आपके पास फ्रूट है हो आप डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी आपकी चॉइस है। और एक प्याली अंगूर, प्याली मेरे पास मैंगो प्यूरी थी वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। इससे क्रीमी फ्रूट चाट का जायका बहुत अच्छा आएगा। अब इन चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्रीमी फ्रूट चाट बनकर तैयार हो चुकी है। प्यारे व्यूअर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।